नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। एनसीबी के द्वारा आर्यन खान की गिरफ्तारी होने के बाद अब पूरी तरह से महाराष्ट्र में बवाल मच चुका है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज थे वही पब्लिक के सामने आ रहे थे और वो जो है एनसीबी की कार्रवाई को गलत बता रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एनसीबी के बड़े मंत्री, शरद पवार की पार्टी के बड़े मंत्री नवाब मलिक से लेकर कई पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं और वो जो है सीधा सीधा निशाना साध रहे हैं, वो भी एनसीबी के ऊपर, जहाँ पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये पूरी की पूरी चीज़ें, जो भी वो ड्रग केस में फंसाया गया है, मतलब कि जो भी गिरफ्तारी की गई है, वो पूरी तरह से एक फर्जी है और इसको पूरी तरह से वो फर्जी बता रहे हैं। इसके साथ में ही नवाब मलिक लगातार अलग अलग मीडिया चैनल से बात कर रहे हैं और हर एक मीडिया चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो जो है एनसीबी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर जो है नवाब मलिक इस तरफ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब जो है नवाब मलिक के ऊपर भी क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस पब्लिक के सामने आया था तो उस टाइम भी बड़े पॉलिटिशियन जैसे उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख और संजय राउत जैसे बड़े बड़े शरद पवार पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे लोग जो है एजेंसी के ऊपर लगातार निशाना साध रहे थे और लगातार बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी छानबीन जो है सेंट्रल एजेंसी से करवानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल एजेंसी ने छानबीन की और आज आप समझ सकते हैं कि मामला क्या से क्या हो चुका है। सेम वही चीज़ यहाँ पर अब एनसीबी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मतलब कि एक तरीके से निशाना साधा जा रहा है। हर एक बड़ा पॉलिटिशियन आके जैसे कि नवाब मलिक लगातार निशाना साध रहे हैं एनसीबी के ऊपर और बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। तो अब लोगों द्वारा सवाल उठ रहा है कि क्या नवाब मलिक का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस में, क्या उन्हें डर है कि आने वाले टाइम पे इसमें उनका भी नाम सामने आ सकता है जिसकी वजह से उनको जेल हो सकती है, इसलिए वो इस तरह का लगातार टारगेट कर रहे हैं एनसीबी के ऊपर। अब जो भी हो वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, अभी जो है एनसीबी इस केस में छानबीन कर रही है, लेकिन नवाब मलिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल जरूर उठ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।